जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं भारत के MMRCA 2.0 को लेकर के चल रही चर्चाओं के बारे में। हम बात करेंगे राफेल F4 के बारे में। हम आपके कंफ्यूजन दूर करेंगे कि क्या MMRCA अगर फाइनल होती है और राफेल को उसमें जगह मिलती है तो क्या भारत को F4 स्टैंडर्ड के राफेल मिलेंगे या पुराने F3R स्टैंडर्ड के राफेल ही मिलेंगे। हम जानेंगे कि F1, F2, F3R और F4 स्टैंडर्ड बेसिकली है क्या, कैसे ये एयरक्राफ्ट एक दूसरे से अलग हैं, और हम ये भी जानेंगे कि क्या वाकई राफेल का MMRCA जीतना लगभग तय हो चुका है, क्या इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी ये फैसला कर ही लिया है कि राफेल ही हमारे बेड़े में आएंगे। तो आइए जान लेते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा अप्रूव किए गए 83 तेजस Mk1A फाइटर जेट से। यहाँ पे जब 83 फाइटर जेट को अप्रूवल मिला तो इंडियन एयरफोर्स का एक जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ चुका था, और इसलिए अब इंडियन एयरफोर्स ने अपना पूरा ध्यान जो केंद्रित किया वो एक और बड़े प्रोजेक्ट में किया, और वो है 114 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम MMRCA के नाम से जानते हैं उस पे। इसकी लागत तकरीबन 1.3 लाख करोड़ रुपये आंकी गई, और इस लागत से हमें 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या हम ये कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, बातचीत शुरू कर दी है, और माना जा रहा है कि इस सिलसिले में काफ़ी बड़े कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। अब एक चीज़ आपको मैं पहले ही शुरुआत में क्लियर कर दूं कि 114 फाइटर जेट की खरीद का यह 83 तेजस Mk1A की खरीद से कोई संबंध नहीं है। दरअसल जो 83 तेजस Mk1A का अभी ऑर्डर दिया गया है या जो अभी साइन होना है इसी हफ्ते, उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो MiG-21 के 4 स्क्वाड्रंस को रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद जो 114 फाइटर जेट्स होंगे ये एक मीडियम मल्टी रोल कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी 2019 में एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसको हम RFI कहते हैं, वो जारी किया था। अब इस RFI का जवाब तमाम बड़े ग्लोबल प्लेयर्स द्वारा दिया गया, जिनमें US, फ्रांस, रशिया और स्वीडन शामिल हैं। अब मोटे तौर पर देखें तो US के तरफ से जो एयरक्राफ्ट पेश किए गए वो F-15 स्ट्राइक ईगल या F-15EX है, F-18 सुपर हॉर्नेट है और F-21 है। वहीं अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया ने अपना MiG-35 SU-35 ऑफर किया है। अब यहाँ पे अगर हम F-15EX को और SU-35 को हटा दें, क्योंकि ये एक हैवी वेट फाइटर है और इंडिया को ज़रूरत है मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो कहीं ना कहीं इनका पहले से ही बाहर होना तय है। यहाँ पे F-15EX के कुछ चांसेस हैं लेकिन वो क्लियर नहीं है। वहीं अगर हम बात करें स्वीडन की तो स्वीडन ने यह दावा किया कि उन्होंने अपना ग्रिपेन एयरक्राफ्ट, जो कि साफ बनाती है, 2007 में ऑलरेडी एक बार इंडियन एयरफोर्स के सामने प्लेस किया था, लेकिन उनका ये दावा है कि उनका अब का एयरक्राफ्ट उस समय के एयरक्राफ्ट से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, कहीं ज़्यादा एडवांस है, और जो उसमें टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। लेकिन अभी भी फ्रांस का राफेल इस रेस में एक मील का पत्थर बन के आगे आगे चल रहा है, क्योंकि इसका जो ये चांस है हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रबल है। वहीं इंडियन एयरफोर्स चीफ का जो हालिया एक बयान आया था राफेल को लेकर के, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि एडिशनल राफेल जेट की खरीद की जो बात है वो ऑलरेडी टेबल पर है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमाणित करती है। लेकिन फिर भी जो सोर्सेज हैं उनका ये मानना है कि इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा पूरे प्रोजेक्ट के लिए वो पूरी तरीके से एक निरपेक्षता भरा होगा, यानी निरपेक्ष होगा। कहने का मतलब है कि जितने भी कंटेंडर्स आएंगे सबको एक इक्वल मौका मिलेगा, बराबर अवसर मिलेगा। इसके लिए बाकायदा इंडियन एयरफोर्स एक पैरामीटर डेवलप कर रही है, उस पैरामीटर के हिसाब से जितने भी एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो सिंगल इंजन हो या डबल इंजन हो, ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो खूबियाँ हैं, खासकर राफेल की जो कैपेबिलिटी है, उसको मैच करते होने चाहिए। उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स इन्हें कंसीडर करेगी। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो सिंगल इंजन होते हैं या डबल इंजन होते हैं, और माना यह जाता है कि बहुत जल्द ये जो एयरक्राफ्ट है ये सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। एक खास शर्त यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की ये है कि वो सारे कंटेंडर्स इस बात का ध्यान रखें जो MMRCA में शामिल हुए हैं कि उनके एयरक्राफ्ट को तकरीबन 4 डिकेड्स तक, यानी 40 सालों तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहना है। इसलिए वो पूरी तरीके से ये सप्लाई जो लाइन है उसको बनाए रखने की बात भी इंडियन एयरफोर्स से करें। वहीं अगली बात ये है, सबसे बड़ी बात जो है इस पूरे डील में, कि जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद होनी है,
इनमें सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो मेड इन इंडिया होंगे, यानी भारत में ही इनको बनाने पड़ेंगे पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ में, यानी चाहे वो डिफेंस प्राइवेट सेक्टर हो या फिर हमारा पब्लिक सेक्टर, इसके साथ ये पार्टनरशिप या जिसको हम ज्वाइंट वेंचर कहते हैं, इसमें मिल करके बनाएंगे पूरी टेक ट्रांसफ़र के साथ में। तो ये थी पूरी कहानी अभी तक MMRCA की। माना जा रहा है इस साल के अंत तक या अगले साल के पहले वीक तक इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं राफेल के बारे में कि ये F2, F3 और F4 राफेल है क्या। बेसिकली अभी हाल ही में डसाल्ट के जो CEO हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने एरिक ट्रिपर जिसका नाम है, उन्होंने ये कहा कि फ्रांस F4 स्टैंडर्ड का जो राफेल है वो डेवलप करने वाला है और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी जो डसाल्ट एविएशन है उसको दे दिया गया है। उन्होंने इसको लेकर के कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि F4 स्टैंडर्ड को लेकर के जो प्रोसेस चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और वो जो राफेल होंगे F4 स्टैंडर्ड के, वो मौजूदा राफेल से जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो ज़्यादा रखेंगे। अब हम बात करें F1 स्टैंडर्ड की, तो F1 स्टैंडर्ड बेसिकली फ्रांस की नौसेना के लिए जो राफेल बनाए गए थे उनमें जो बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी उसके हिसाब से उसको दिया गया F1। उसके बाद इसको अपग्रेड किया गया F2 में। F2 के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो F1 थे वो बेसिकली एक एयर सुपियोरिटी फाइटर के तौर पर डेवलप किए गए थे, लेकिन जो F2 थे उनमें एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस की गई। और उसके बाद आता है F3। F3 को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया कि ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर और ज़्यादा मंझ सके। फिर आता है F3R। F3R में जो इसको कुछ अपग्रेड्स मिले थे जो रेडार से संबंधित थे, इसके जो एवियोनिक्स के संबंधित थे, हथियारों के संबंधित थे, उनको कहा गया F3R। तो F4 स्टैंडर्ड को लेकर के हम आपको बता दें, जितना अभी तक हमको पता है उसमें ये है कि इसमें नया जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जाएगा, नए रेडार इंस्टॉल किए जाएंगे और कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे होंगे और भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जो इसमें किए जाएंगे। वहीं कोशिश ये की जाएगी कि इसमें एक नया पेंट इम्प्लीमेंट किया जाए जो कि इसके स्टेल्थ मेजर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा सके। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो F4 स्टैंडर्ड का होगा इसमें मिटियोर की न्यू जनरेशन की मिसाइल अपग्रेड की जाएगी और इसके अलावा इसमें मीका की न्यू जनरेशन मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें 1000 किलो के जो AA या AASM जो एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन है उसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसका मकसद होगा इसकी लिथैलिटी को बढ़ाना, इसके एजिलिटी को बढ़ाना और माना यह भी जा रहा है कि इसके जो इंजन है उनको भी कुछ अपग्रेड मिलने वाला है। लेकिन इस पर अभी खुल करके डसाल्ट एविएशन के ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का अभी यही मानना है कि इसमें और भी कुछ छुटपुट चेंजेस हैं कि कॉकपिट में हो गया या इसके कुछ फ्यूजलाज में कुछ चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं या इसमें कुछ नए सॉफ्टवेयर हैं वो इसको इंस्टॉल किए इसमें जा सकते हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पे किस किस चीज़ को ध्यान में रख करके इसको अपग्रेड किया जाएगा। बेसिकली इस अपग्रेड का मकसद होगा कि इसमें जो नए एयर टू एयर वेपन्स हैं या एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं उनको इंटीग्रेट करना। इसका मकसद ये होगा कि इसकी जो मैरीटाइम स्ट्राइक है, डीप स्ट्राइक है या क्लोज एयर सपोर्ट है या एयर टू एयर कॉम्बैट है, बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग है या दूसरा जो न्यूक्लियर डेट्रेंस है, इन सारे मिशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सरल करने की कोशिश की जाएगी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के थ्रू या कुछ अलग जो हथियार है उनके थ्रू। तो ये होगा हमारा F4 राफेल और यही को लेकर के हमने ऑलरेडी आपको एक रिपोर्ट बताई है जहाँ पर हमने ये बताया कि किस प्रकार फ्रांस ने भारत को ये ऑफ़र किया है। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिली होगी ये समझने में। तो वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।